बारसोई की सड़कों पर निकाली 2 किलोमीटर लंबी विशाल शोभा यात्रा। श्री राम नवमी को लेकर रविवार को बारसोई की सड़कों पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 2 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा में लगभग 25,000 राम भक्तों ने भाग लिया। सभी राम भक्त भक्ति संगीत की धुन पर जय श्री राम का नारा लगाते नजर आए। वहीं कुछ राम भक्त हाथों में तिरंगा झंडा लिए भारत माता की जय का जयकारा भी लगा रहे थे। विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से चौकस थी। शोभा यात्रा के आगे, मध्य एवं अंत में पुलिस बल के जवान बड़ी मुस्तैदी से चल रहे थे, जबकि चौक चौराहों पर भी पुलिस बल के जवान भारी संख्या में तैनात किए गए थे। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए प्रशासन ने सादे लिबास में जहां तहां अपने जासूस भी लगाए थे, ताकि गुप्त सूचना प्राप्त कर किसी भी अनहोनी को पहले ही रोका जा सके। अनुमंडल पदाधिकारी राजेश्वरी पांडे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रेमनाथ राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रियंका कुमारी अनुमंडल कार्यालय में बैठकर ही पूरी शोभा यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे थे, जबकि शोभा यात्रा के साथ दंडाधिकारी के रूप में अंचल पदाधिकारी अमर कुमार राय, BCO आशीष कुमार शोभा यात्रा के साथ साथ चल रहे थे। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार दलबल के साथ शोभा यात्रा की सुरक्षा में लगे थे। सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ शोभा यात्रा की निगरानी में लगे हुए थे। शोभा यात्रा PWD मैदान से सुबह 11 बजे प्रारंभ हुई, जो राज चौक होते हुए नगर पंचायत कार्यालय, हाई स्कूल, जैन मंदिर, थाना हट्टी, दुर्गा मंदिर, मछली हट्टी, पोस्ट ऑफिस चौक, मस्जिद चौक, ब्लॉक चौक, बारसोई, मौलानापुर स्टेशन रोड, स्टेशन गुमटी होते हुए सब दावना मैदान में भी सभा के रूप में परिवर्तित हो गई, जहां सभी राम भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। सभी राम भक्तों ने महाप्रसाद ग्रहण कर अपने अपने घर को प्रस्थान हुए। शोभा यात्रा के दौरान पूरे बारसोई भगवा में श्री राम के जयकारों से चप्पा चप्पा गूंज रहा था। चारों ओर केसरिया का पताका लहर रहा था, जैसे लग रहा हो श्री राम स्वयं बारसोई की धरती पर अवतरित हो गए हो। ज्ञात हो कि वर्ष 2019 के बाद इस बार पुनः शोभा यात्रा निकाली गई। बीच में 2 साल कोरोना के चलते शोभा यात्रा नहीं निकाल पाई थी, इस कारण भी इस बार राम भक्तों में उत्साह काफी देखा गया। शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बारसोई श्री राम नवमी शोभा यात्रा समिति के साथ साथ श्री राम सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं अन्य हिंदू संगठनों ने मुख्य भूमिका निभाई। शोभा यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न कराने में स्थानीय लोगों ने प्रशासन को साधुवाद दिया है। शोभा यात्रा संचालन में मुख्य रूप से पिंटू यादव, शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल, उपाध्यक्ष सागर कुमार साह, सचिव आनंद गुप्ता, कोषाध्यक्ष दीपक दास, सह कोषाध्यक्ष गौरव सिंह, संयोजक राजेश साह उर्फ मिट्ठू, आयुष दास, गौतम महतो, सोविनाय बोशाक, राजकुमार राय, राजेश पासवान, पिंटू शाह, सौरभ यादव, राधाकांत घोष, विशाल सोनी, सदानंद शाह, सुमित शाह, अनिल कुमार भगत, राजेश कुमार भगत, पिंटू दास, रोहित दास, पिंटू यादव, नवीन ठाकुर, सुनील यादव, विकास जायसवाल, विजय शाह, समीर चंद्र, कुंदन शाह, मामू महादेव आदि शामिल है। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से अनिल कुमार, रिंकू सिंह, अमित अग्रवाल, राजीव भगत, रोशन अग्रवाल, विजय शाह आदि श्रद्धालु उपस्थित थे।
बारसोई प्रखंड से संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट।